हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के बहुत ही मजेदार टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो आपके बीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से 3 मार्क्स में से पूछा गया क्वेश्चन वर्जन इक्वेशन एंड लैप्लासिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लैप्लासिस इक्वेशन और वर्जन इक्वेशन होता क्या है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं बात होता है, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में देखा गया है, पूछा गया पूछा जाता है बार बार। इसके सोल्यूशन को जब हम लोग ऐड कर देंगे, जब सोल्यूशन ऑफ लैप्लासिस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तब ये एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर बनता है, जो बहुत ही कम रेयर केस में पूछा जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पॉइजन इक्वेशन ऑफ लैप्लासिस इक्वेशन होता क्या है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था गॉसियस थ्योरम के बारे में, गॉसियस थ्योरम के डिफरेंशियल फॉर्म को भी पढ़ा हुआ था। तो वहां पे हम लोगों ने जो फाइनल आंसर लाया हुआ था गॉसियस थ्योरम के डिफरेंशियल फॉर्म में, वो था आपका डेल ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1। वी नाउ फ्रॉम पॉइजन इक्वेशन एंड लैप्लासिस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। वी नाउ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम, हम लोग जानते हैं गॉसियस थ्योरम के डिफरेंशियल इक्वेशन से, डेल ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1। वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं क्या, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद स्केलर पोटेंशियल फाई और बी इक्वल स्केलर पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एंड रिलेटेड एस। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड को डिराइव करने के लिए हम लोग उसको उसके नेगेटिव ग्रेडिएंट ऑफ स्केलर फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, या स्केलर पोटेंशियल को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट, यहाँ पर ग्रेडियंट का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये इसके आगे कोई भी क्रॉस का साइन नहीं है, इसलिए हम उसको ग्रेडियंट ऑफ फाइव, इसलिए क्या हो गया आपका स्केलर पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर से ई का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव देयर इज इक्वल टू, हम लोग इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डेल फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का जो माइनस है हम लोग इक्वल टू के ये साइड में ले गए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, डेल फाइव इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रो क्या है आपका, ये है चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसके इनटू करेंगे तो डेल स्क्वायर, और यहाँ से फाइव इक्वल टू, अब ये माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। वी नाउ दैट दिस इज नॉन एज पॉइजन इक्वेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर, जो लैप्लासियन ऑपरेटर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, डेल इक्वल टू यहाँ पर आई डेल वाई डेल एक्स प्लस यहाँ पर जे डेल वाई डेल वाई, और यहाँ पर के कैप सब में लगाना है डेल बाय डेल जेड, ये हो गया आपका लैप्लासियन ऑपरेटर जिसका वैल्यू होता है इतना इतना इसका वैल्यू होता है, वेयर डेल स्क्वायर इक्वल टू लैप्लासियन ऑपरेटर इन द एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज रो इक्वल टू 0, किसी भी चार्ज के एब्सेंस में रो का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, जब ये रो का वैल्यू 0 होगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, क्योंकि किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करने से वो क्या आता है आपका, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, दिस इज नॉन एज लैप्लासिस इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लासिस इक्वेशन। इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे इसका सॉल्यूशन, लैप्लासिस इक्वेशन का सॉल्यूशन कार्टेशियन फॉर्म में, जो कभी कभी आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो दो सॉल्यूशन हम लोगों ने किया हुआ है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है, ताकि वहां पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब आप लोगों को दिक्कत ना हो, और इसका वीडियो हम अगले वीडियो में बना देंगे।
और इसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल के माध्यम से अच्छे मार्क्स या फिर अच्छी तरह से तैयारी कर पाए अपने बीएससी फाइनल सेमेस्टर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।